हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, बस थोड़े से टॉपिक हमारे रहते हैं जो कि हमारे आने वाले 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। आज उत्तराखंड के कंटिन्यूएशन में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा संसाधन। उत्तराखंड में जितने भी प्रकार के ऊर्जा संसाधन है, उत्तराखंड एक वाटर रिच स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज है वो बहुत सारे हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी संसाधन है, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो सारे वाटर डिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, जितने भी फैक्ट्स हैं, वो सारे परीक्षा वाणी से लिए गए हैं। जो ऑलरेडी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं उनको पता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्यादा वेस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड के एनर्जी पॉलिसी के बारे में, ऊर्जा नीति के बारे में। उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किनके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाएंगे? स्टेट एनर्जी कॉर्पोरेशन और नेशनल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इनका संचालन किया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन भी रहता है, ठीक है। 3 नए सबस्टेशन बनाए गए हैं जो कहाँ कहाँ पे बने हैं? रुड़की में, किच्छा में और पिथौरागढ़ में। इनका काम क्या होगा? ये सबस्टेशन बनाए गए हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा, और इनका काम क्या होगा? स्टेट का अपना खुद का ग्रिड बनाना, स्टेट का अपना खुद का स्वतंत्र ग्रिड बनाना। एक 1 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाई जाएगी, जिसका काम क्या होगा? इस ऊर्जा नीति को लागू करवाना, ठीक है। जो प्रोजेक्ट 25 मेगावाट तक के होंगे उनको स्मॉल प्रोजेक्ट कहा गया है, और जो प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से ज्यादा होंगे उन्हें बड़े प्रोजेक्ट कहा गया है। 29 जनवरी 2008 को आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ फैक्ट्स फैक्ट्स हैं, हाँ, क्योंकि एग्जाम में यही कुछ फैक्ट्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। ज्यादा आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको लेके आए हैं, और ये सारे फैक्ट्स उसी हिसाब से लेके आती हूँ जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके यहाँ पे फैक्ट्स लेके आती हूँ जो आने वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। 29 जनवरी 2008 को रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी अनाउंस करी थी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की भी घोषणा की गई थी। अब कुछ संगठन देख लेते हैं जो उत्तराखंड में पावर कॉर्पोरेशन के लिए या फिर जो उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाए गए हैं। आपको पता है 2000 से पहले हमारा उत्तराखंड जो था वो यूपी और उत्तराखंड एक था, पर 2000 के बाद उत्तराखंड क्या हुआ? अलग स्टेट बन गया, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स थे यूपी गवर्नमेंट से किसके हाथ में आ जाएंगे? अब उत्तराखंड गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे। तो उसी के लिए 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन का गठन होता है, जिसका काम क्या था? जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, जो एनर्जी डिपार्टमेंट था उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना उत्तर प्रदेश सरकार से। फिर उत्तराखंड हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनता है 1 अप्रैल 2001 को ही। इसका काम क्या था? जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है स्टेट में उसे इंक्रीज करना, और जो वाटर पोटेंशियल है स्टेट का उसका भी मैक्सिमम यूज करना। जो उत्तराखंड में जल का जो वो है ना, हमारा जल स्रोत है, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। ये था उत्तराखंड जल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का काम। फिर अब बनता है टीडी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार का ये संयुक्त उपक्रम था जो 12 जुलाई 1988 यानी कि 12 जुलाई 1988 को कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है। फिर फरवरी 1989 में टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाता है इसी कॉर्पोरेशन द्वारा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन का काम सौंप दिया जाता है उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट को, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को, ठीक है। उसके बाद बनता है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड, पिटकुल, ठीक है। ये बनता है 1 जून 2004 को। इसका काम क्या था? जो उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन है उसकी जो पावर ट्रांसमिशन की नीड्स या जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना, ठीक है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन लिमिटेड का काम क्या था? बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका गठन हुआ था। फिर इसके बाद इसका वर्क था एक नेटवर्क प्रिपेयर करना, एक नेटवर्क तैयार करना जो कि बिजली की सप्लाई 132 किलोवाट केवी और उससे ज्यादा की क्षमता बिजली सप्लाई कर सके। फिर बनता है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल, ठीक है। इसका काम क्या था? इसका काम था द कंपनी हैज बीन फॉर्म टू कलेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम क्या था? इस कंपनी का गठन था यूजेवीएनएल और पिटकुल पीटीसीयूएल से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ठीक है। बिजली को कहां तक पहुंचाना? उपभोक्ताओं तक पहुंचाना।
ठीक है, इसका काम था हमारा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। आपने कभी अपने, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारा बिजली का बिल आता है वो यूपीसीएल के द्वारा ही दिया जाता है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही दिया जाता है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी से यूरडा कहा गया। यूरडा का हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है, और इसके रीजनल ऑफिसेस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में है, इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के साथ साथ इस एजेंसी का काम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करना और वाटर मिल्स लगाने का भी है, जिन्हें वाटर मिल्स को घराट्स कहा जाता है। ठीक है, वाटर मिल्स को घराट्स कहा जाता है। होम सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लैंप्स भी उड़ा द्वारा लगाए जाते हैं। कहाँ पर? रिमोट विलेजेस में, उन जगहों पर जहां पर रोशनी नहीं पहुंच सकती, तो वहां पर होम सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट और सोलर लालटेन की मदद से बिजली पहुंचाई जाती है। जो अब आपको मैं थोड़ा सा एक स्टोरी बता देती हूँ, आप बस वो सुन लीजिए, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सुन के भूल जाइएगा। राज्य में पहले क्या होता था, अनाजों को पीसने के लिए वाटर मिल्स, पंचक्की और घराट का यूज होता था, जो अंग्रेजी शासन काल से पूर्व से ही यूज होता आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जब से विद्युत यानी कि लाइट आई और डीजल इंजन आए, तो ये पंचक्कियां, वाटर मिल्स जो हुई वो लुप्त होने लग गई, बंद होने लग गई। अब यूरेडा क्या कर रहा है, इन्हीं का पुनर्विकास कर रहा है, यूरेडा इन्हीं को रिजुविनेट कर रहा है, घराट्स को और वाटर मिल्स को यानी कि पंचक्कियों को। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये काम, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और 1 अप्रैल 2001 को पंचक्की को क्या हुआ, एक लघु उद्योग का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, आप अगर समझे कि पंचक्की क्या है, तो अनाजों को पीसने के लिए यूज किया जाता था पहले, पर ये लुप्त होने लग गई थी, तो अब यूरेडा क्या कर रहा है, इन्हीं का पुनर्विकास कर रहा है, इन्हीं को रेजुविनेट कर रहा है। फिर एक बनता है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हम क्या देख रहे हैं, संगठन देख रहे हैं जितने भी उत्तराखंड में बनाए गए पावर कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत नियामक आयोग, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसका काम क्या था, विद्युत व्यवसाय को विद्युत दरों के निर्धारण के लिए बनाया गया था, इसे रेगुलेट करना था। फॉर रेगुलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस इन द स्टेट एंड डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस यानी कि जो विद्युत व्यवसाय हैं उन्हें रेगुलेट करना, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट होगा स्टेट में, बिजली का क्या वो होगा, दर होंगे, उनको निर्धारित करना। फिर बनता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या था, पावर ग्रिड बनाना और उसे मेंटेन करना। ठीक है, पावर ग्रिड्स क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, जिन ग्रिड्स द्वारा सप्लाई होती है उसे पावर ग्रिड कहते हैं। फिर आते हैं उत्पादन प्रमुख परियोजनाएं यानी कि मेजर प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे बने। शुरुआत करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट, जो कि है ग्लोगी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये 3.5 मेगावाट की कैपेसिटी का था। क्यारखुली और भट्टा गांव जो मसूरी में है उनके मध्य में ये बनाया गया। ठीक है, इसे 1909 में बनाया गया था, और ये मैसूर के बाद, मैसूर यानी कि साउथ इंडिया के बाद इस कंट्री का दूसरा है और नॉर्थ इंडिया का पहला है। ठीक है, क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ग्लोगी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3.5 मेगावाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना मसूरी देहरादून मार्ग पर क्यारकुली और भट्टा गांव के मध्य की गई। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन मई 1909 से शुरू हुआ, और मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र ये बना। फिर इसके बाद आती है पथरी योजना। पथरी योजना भी इंडिपेंडेंस से पहले नहर के में ये बनाई गई, और हरिद्वार में ये एरिया पड़ता है, और 20 से 40 मेगावाट की कैपेसिटी की है। फिर है मोहम्मदपुर प्रोजेक्ट, ये भी स्वतंत्रता से पहला है, गंगा नहर में ही ये भी बना हरिद्वार में, और 9.30 मेगावाट का। फिर आता है खटीमा प्रोजेक्ट, 1955 में बनाया गया, उधम सिंह नगर में शारदा रिवर के ऊपर, 41.40 मेगावाट का। फिर आता है लोहिया हेड परियोजना, उधम सिंह नगर में बनाई गई शारदा रिवर के ऊपर, 27.60 मेगावाट की। डकरानी प्रोजेक्ट 1965 से 1970 तक बना देहरादून में, और 33 से 75 मेगावाट का। ठीक है, 33 से 75 मेगावाट का। फिर आती है ढालीपुर प्रोजेक्ट, 1965 से 1970 यमुना नदी के ऊपर देहरादून में, 51 मेगावाट का। फिर आता है छिबरो प्रोजेक्ट, 1974 से 1976 तक टॉन्स रिवर के ऊपर देहरादून में, 240 मेगावाट का। रामगंगा प्रोजेक्ट 1976 से 1978 तक रामगंगा रिवर के ऊपर पौड़ी गढ़वाल में, 198 मेगावाट का। फिर आता है चिल्ला प्रोजेक्ट,
1980 से 1981 गंगा नदी के ऊपर बनाया गया पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, 144 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर है खोदरी प्रोजेक्ट 1983 से 1984 यमुना नदी के ऊपर है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, 120 मेगावाट कैपेसिटी है। टनकपुर प्रोजेक्ट 1993 में बना, शारदा रिवर की नदी है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है और 120 मेगावाट कैपेसिटी है। फिर आता है सबसे बड़ा सबसे मेजर उत्तराखंड का और देश का भी टिहरी प्रोजेक्ट। ये भागीरथी और भिलांगना के कन्फ्लुएंस यानी कि संगम पे बना है। 260.5 मीटर की हाई का ये डैम है, इतनी ऊंचाई का ये डैम है। इसे मिट्टी और पत्थरों द्वारा बनाया गया है। एशिया का हाईएस्ट डैम है और विश्व का चौथा हाईएस्ट डैम है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन द्वारा अप्रूव किया गया था 1972 में। ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर था उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार होगी, बिकॉज 1972 में तो उत्तर प्रदेश सरकार ही थी उत्तराखंड में भी। 1988 में इसका कार्य सेंटर ने यानी कि केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, और एक स्टैब्लिश करा टिहरी हाइड्रो पावर डैम कॉर्पोरेशन, THDC की स्थापना करी और इसको दे दिया डैम को कंस्ट्रक्ट करने का काम 1989 में। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना होगा इससे, 2400 मेगावाट। कितनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, 2400 मेगावाट। दो फेज में ये डिवाइडेड है, पहला फेज 1000 मेगावाट का है, दूसरा फेज 1000 और 400 मेगावाट का है। पहले 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट में टीरी डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होगा, फिर दूसरे फेज में 1000 मेगावाट के टीरी पंप स्टोरेज प्लांट बनेगा और 400 मेगावाट का कोटेश्वर डैम और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनेगा। चार नहरें बनाई गई इसमें, जो कि डैम मेन डैम से खोदी गई, जिनकी जिन जिन हर एक नहर की जो डायमीटर है वो 11 मीटर है और ये एक घोड़े के नाल के जैसी है शेप में, और इनकी लेंथ कितनी है, 6.3 किलोमीटर। ठीक है, 6.3 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ठीक है, ये था हमारा टीरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक रिजर्वायर बनाया स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से, स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक रिजर्वायर बनाया गया, जलाशय बनाया गया। इसकी जल धारण कैपेसिटी कितनी है, 354 करोड़ क्यूबिक मीटर्स है। ठीक है, 354 करोड़ घन मीटर है, जिसमें 261 करोड़ क्यूबिक मीटर्स जो है वो क्रियाशील है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जो वाटर लेवल है इस जलाशय में वो मेंटेन रहना चाहिए 740 मीटर पे की ऊंचाई पर, वो मेंटेन रहना चाहिए। टीरी डैम पावर प्रोजेक्ट जो है वो 2400 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और इसका फर्स्ट फेज जो है वो 1000 मेगावाट का है, जो मैंने आपको बता दिया, जो 2006 में कंप्लीट भी हो चुका है 30 जुलाई को। अब इसका दूसरा जो है वो चालू है, 6.04 लाख हेक्टेयर का लैंड इसने इरिगेट कर दिया है और अभी ये अनुमान है कि एडिशनल 2.7 लाख हेक्टेयर लैंड भी इरिगेशन हो पाएगा इससे। ठीक है, वर्तमान में 6.4 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के स्थायीकरण के अलावा 2.7 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का विकास हो रहा है। 40 लाख लोग दिल्ली के पानी प्राप्त करते हैं, जो कितना है, 300 क्यूसेक पर डे दिल्ली को सप्लाई होता है इतना पानी, और 200 क्यूसेक पर डे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों और नगरों को सप्लाई होता है। ठीक है, 300 क्यूसेक पर डे दिल्ली को सप्लाई होता है, 200 क्यूसेक पर डे कहाँ को सप्लाई होता है, ड्रिंकिंग वाटर उत्तर प्रदेश को सप्लाई होता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट ने 1 लाख लोगों का निवास क्या करा था, प्रभावित किया था। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों का निवास प्रभावित हुआ था, जिनके पुनर्वास के लिए 582 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिनके रिहैबिलिटेशन के लिए 582 करोड़ का खर्चा आया। एक न्यू टिहरी शहर बसाया गया टिहरी के दक्षिण में लगभग 24 किलोमीटर दूर। इस डैम का डिजाइन जो था प्रोफेसर जेम्स ब्रून द्वारा निर्धारित किया गया। ठीक है, 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन था उस वक्त, जब ये पास हुआ 1972 में, उस वक्त ये डैम जो था ये बताया जा रहा था कि 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। पर 1986 में क्या हुआ, रशिया के सपोर्ट के साथ इस डैम की कैपेसिटी बढ़ाकर 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट ये कर दिया गया। ठीक है, जो पहले व्यक्ति थे जो इसके अगेंस्ट गए, यानी कि इसके विरुद्ध में जिन्होंने आवाज उठाई, वो थी राजमाता कमलेंदुमती शाह। ये पहली महिला थी या फिर पहले व्यक्ति भी कह सकते हैं जिन्होंने बांध के विरुद्ध में सर्वप्रथम आवाज उठाई थी, क्योंकि बांध से क्या होता, टिहरी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों को उनका अस्तित्व मिट जाता। ठीक है, और परिणाम स्वरूप क्या होता, लोगों को विस्थापित करना पड़ता।
पर्यावरण का भी नुकसान होता। तो इसके लिए कुछ लोग जो थे वो टीरी बांध के कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट थे, जिनमें से आवाज उठाने वाली पहली महिला थी कमलेंदुमती शाह। 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में एक एंटी डैम कमिटी बनी, ठीक है, एक एंटी डैम कमिटी बनी, बांध विरोधी समिति का गठन हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी भी इससे जुड़े रहे। 1991 में इस कमेटी ने डैम का कंस्ट्रक्शन 76 दिनों तक रोके रखा था, क्या कर दिया था, धरना कर दिया था। फिर विष्णु प्रयाग इसके बाद आता है, ये तो हमारा टीरी पावर प्रोजेक्ट। अब इसके बाद आता है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना 650 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो अलकनंदा रिवर के किनारे बनाया जा रहा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार और प्राइवेट कंपनी का ये ज्वाइंट वेंचर था। प्राइवेट कंपनी कौन सी थी, मेसर्स जेपी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार। इसकी 88% इलेक्ट्रिसिटी यूपी गवर्नमेंट को मिलेगी और 12% इलेक्ट्रिसिटी यूपी गवर्नमेंट को मिलती है। फिर आता है धौली गंगा फेज वन प्रोजेक्ट। धौली गंगा फेज वन प्रोजेक्ट परियोजना 280 मेगावाट की परियोजना है, पूर्वी धौली गंगा पे बनाई जा रही है, धारचूला के पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 5 में होती है, ठीक है, 2005 में शुरू होती है, सबसे 280 मेगावाट की परियोजना है। ईस्टर्न धौली गंगा पर यानी कि पूर्वी धौली गंगा पर ये बनाई जा रही है, धारचूला के पास पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। 2005 में ये शुरू होती है। इस परियोजना का 52 मीटर है और 317 मीटर लंबा है। 2005 में शुरू होती है, बांध हुआ है, 56 मीटर ऊंचा है और 317 मीटर लंबा है। सीएफआरडी तकनीक के द्वारा बनाया जा रहा है, कंक्रीट फेज रॉक फिल डैम, ठीक है, जिसका निर्माण सीएफआरडी से किया गया है, कंक्रीट फेज रॉक फिल डैम। भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया गया इस डैम को बनाने में, ठीक है, और ये डैम एनएचपीसी द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। ये डैम का कंस्ट्रक्शन एनएचपीसी द्वारा किया जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला भूमिगत पावर हाउस यानी कि अंडरग्राउंड पावर हाउस और कैनाल सुरंगों वाला यह पहली परियोजना है कुमाऊं की, ठीक है। फिर आता है मनेरी भाली प्रोजेक्ट फेज वन एंड फेज टू। 1900 मेगावाट के मनेरी भाली फेज वन है, जो 1983 में शुरू हुई भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। मनेरी भाली टू 304 मेगावाट की है, जो 1976 में शुरू तो हो गई थी पर कुछ फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी के कारण, पैसों की कमी के कारण रोक दी गई और दोबारा रीस्टार्ट हुई 2002 और 3 में, ठीक है, 2002 और 3 में इसे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है श्रीनगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अलकनंदा रिवर के ऊपर है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, 330 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का। कुछ और जो प्रोजेक्ट हैं जो चिन्हित प्रमुख परियोजनाएं हैं जिन्हें प्रपोज किया गया है, उनमें कुछ प्रमुख हैं। मनेरी प्रोजेक्ट 480 मेगावाट का ये होगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी रिवर के ऊपर। किसो डैम प्रोजेक्ट टॉन्स रिवर के ऊपर होगा देहरादून में, 660 मेगावाट प्रोडक्शन का। फिर उतियासो डैम प्रोजेक्ट अलकनंदा रिवर के ऊपर होगा पौड़ी गढ़वाल में, 1000 मेगावाट प्रोडक्शन का। लोहरी नाग पाला प्रोजेक्ट भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, 520 मेगावाट प्रोडक्शन का, ठीक है। फिर आता है कोटली भेल प्रोजेक्ट, गंगा रिवर के ऊपर ये बनेगा, टिहरी डिस्ट्रिक्ट होगा, 1000 मेगावाट का ये प्रोडक्शन होगा। पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट 1996 में, इसको 1996 में इंडो नेपाल ट्रीटी यानी कि इंडिया और नेपाल की संधि द्वारा भारत सरकार 5040 मेगावाट की ये परियोजना बनाएगा काली रिवर के ऊपर, ठीक है। काली रिवर के ऊपर ये परियोजना बनेगी 5040 मेगावाट की कैपेसिटी की, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी भारत और नेपाल दोनों में ही बराबर बराबर बांट ली जाएगी। ये डैम जो होगा, अगर ये बना तो ये 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा टिहरी डैम से। टिहरी डैम से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा ये डैम, कौन सा, पंचेश्वर डैम, ठीक है। इंडिया नेपाल की संधि के द्वारा ये बनाया जाएगा, जो 1996 की संधि है, 5040 की मेगावाट कैपेसिटी होगी। तो गाइज ये था सारी इंफॉर्मेशन हमारे उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन से। ये सारे फैक्ट बेस्ड है, कितनी कितनी मेगावाट की कैपेसिटी की परियोजना है, कब बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, क्या उसका नाम है, कौन सी रिवर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पुराने प्रीवियस वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।